जैसे कि बच्चों आप देख रहे हैं शुचि पर्यावरणम, यहां पर पर्यावरण की शुद्धि है ना, ये पद्य है और लसन लतिका से संकलित है। ये पाठ प्रतिमा की मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो उसके आगे के पद्य है उनको समझा रही हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं संस्कृत भाषा को देववाणी भी कहा जाता है, देवताओं से के मुख से निकलने के कारण इसको देववाणी भी कहा जाता है। बहुत ही संस्कारों वाली भाषा, अन्य भाषाओं की जननी, अति प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा ही मानी जाती है। चलिए इसी के अंतर्गत आज हम दशम कक्षा आया जो हम पढ़ रहे हैं प्रथम पाठ को, जिसका नाम है शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण की शुद्धि, उसी के आगे के श्लोक को पद्य को पढ़ेंगे और समझेंगे। आई चल बंधो खग कुल कलरव बुद्धित बन देशम उर कलरव संभ्रमत जनेभ्यो भृत सुख संदेशम चा चाक चिक जालम नो कुर्य जीवित जीवित रस हरणम शुचि। शुचि माने होता है पवित्र। इसके अन्वय को समझिए, इसका अन्वय क्या आएगा, आई बंधु पुर कर भ्रमित जनेभ्य भृत सुख संदेश खग कुल कलर गुंजित बन प्रदेशम चल चार चित्त जालम जीवित रस सहारणम नो कुर्या। जो अन्वय होता है उसका अर्थ होता है कि जैसा अर्थ है उसके हिसाब से वो अन्वय होता है। शब्दार्थ समझ लीजिए, पुर कल रव भ्रमित जनेभ्यो, पुर माने होता है पुरवासी, नगर के वासी, नगर के कोलाहल से विचलित लोगों के लिए भ्रमित, जन माने लोग और भ्रमित माने होता है यानी विचलित, नगराणाम कोलाहलेन विचलित जनेभ्य धृत सुख संदेशम सुख का संदेश धारण करने वाले धृतम सुखस्य संदेशम। फिर है खग कुल कलरव, खग माने पक्षी, कुल माने जो समूह और कलरव माने ध्वनि, पक्षियों के समूह की ध्वनि, खग कुलानाम वन प्रदेशम प्रति चार चित्त जाल चकाचौंध भरी दुनिया में है ना, कृत्रिम प्रभाव पूर्णम जगता नो यानी नहीं, जीवित सरणम जीवन के रस का हरण जीवन से आनंद हरणम कुर्या करे करणे। भावार्थ समझिए, अरे मित्र नगर के कोलाहल यानी शोर से विचलित लोगों के लिए सुख का संदेश धारण करने वाले पक्षियों के समूह की ध्वनि से गुंजायमान वन प्रदेश की ओर चलो, चकाचौंध भरी दुनिया हमारे जीवन के रस का हरण ना करे इसलिए पर्यावरण की शुद्धि हो। आपने देखा होगा कि जब शहरों में बड़े महानगरों में बहुत ज्यादा गाड़ियां आना जाना एकदम भीड़ भाड़ चकाचौंध रहता तो ऐसा लगता है कि कहीं किसी वन में किसी मतलब जहाँ पर ये प्रकृति हो, जहाँ शांत वातावरण हो, जहाँ पक्षियों का कलरव हो, जहाँ बहुत हरियाली हो, वहाँ जाने का मन होता है। तो ऐसा ही कभी यहाँ कि जहाँ पर्यावरण शुद्ध हो ऐसी जगह हमको मतलब ले चलो या ऐसी जगह हमको जाना है और ऐसी जगह हमको अच्छी भी लगती है। के बाद है प्रस्तर तले लता करण गुल्मा नो भवंतु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्य समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि। अन्वय क्या है, लता करु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टा नो भवंतु पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात् मानवाय जीवनम कामय जीवन मरणम नो शुचि। शब्दार्थ लता तरु गुल्मा, लता तरु गुल्मा मतलब लता वृक्ष और झाड़ी,
लकाश्य तरवश्य गुल्माश्य, ये बोला जाता है संस्कृत में, ठीक है। प्रस्तर तले यानी पत्थरों के तल पर, शिला तले। पिष्टा पिसे, चूड़ता यानी चूर्ण होना, पिस जाना, नोमन्ना। पाषाणी यानी पथरीली, पर्वतमयी। निसर्गे प्रकृति में, प्रकृत्या स्यात् हो, मानवाय मनुष्य के लिए, कामाय कामना करता हूँ, कामना करोगी। चलिए भावार्थ समझिए। लता वृक्ष और झाड़ी पत्थरों के नीचे ना पिसे, लता वृक्ष झाड़ी पत्थरों के नीचे ना पिसे, पथरीली पाषाण सभ्यता प्रकृति में समाहित ना हो, और मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूँ, जीते जी मरना नहीं है। क्या कह रहे हैं आपके कवि कि लता वृक्ष झाड़ी पत्थरों के नीचे ना पिसे, बस जो पथरीली पाषाण सभ्यता प्रकृति में समाहित नहीं होना चाहिए। जो सभ्यताएं बहुत सी आपने देखा वो समाहित हो चुकी है, और तो ऐसा कभी कामना कर रहा है। क्या कामना? कि मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूँ, मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूँ, जीते जी मरना नहीं है। चलिए बेटा, ये जो मैंने आपको शुचि पर्यावरण जो पाठ पढ़ाया, उसमें छोटे छोटे प्रश्न भी होते हैं, ये परीक्षाओं में आपके पूछे जा सकते हैं, टेस्ट के रूप में पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको कॉपियों में लिख लीजिएगा। जैसे कि लिख दिया है, पहले मैंने आपको जो पढ़ाया समझाया जो पद्यांश, अत्र जीवितम् कीदृशं जातम्। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि महानगरों में जीवन कैसा हो जाता है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? दुर्वह मैंने कठिन। फिर अनिशम महानगर मध्य की प्रचलिता, महानगरों में दिन रात क्या होता है, आपने देखा सुबह दोपहर शाम रात पूरी रात है ना, क्या चलते रहते हैं, यानी जो गाड़ियां चलती हैं उनके लोहे चक्र यानी पहिए चलते रहते हैं, तो काला सत चक्र यानी लोहे का जो चक्र है वो चलता रहता है। और उस सिद्ध वस्तु मिश्रितम किस्म केवल मस्ती, यानी जो मिलावटी पदार्थों से मिला हुआ क्या है, तो भक्ष्य यानी भोजन। आपने देखो ना बहुत सारी चीजों में मिलावट होती है, तो इस प्रकार से भोज्य पदार्थ भक्ष्यम, ठीक है। फिर है अहम कस्मै जीवनम कामाय, मैं किसके लिए जीवन चाहता हूँ, मानवाय। अभी जैसे मैंने समझाया मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूँ, तो मनुष्य के लिए जीवन मतलब चाहता हूँ जीवन। केशा माला रमणीय, किनकी पंक्ति सुंदर, मैंने समझाया कि हरित हरित तरु लती लती ललित लताना, मैंने हरे हरे वृक्षों सुंदर लताओं की, ठीक है ना, जो पंक्ति है वो कैसी है, बहुत सुंदर है। देखिए ये दिया है आपके बुक में जो प्रश्न दिए हैं, अधोलिखित पदानाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषायाम लिखत, तो संस्कृत भाषा में ही आपको इसके जो उत्तर हैं वो लिखना होंगे, इसलिए आप ध्यान से समझिए पढ़िए। कवि किमर्थ प्रकृति शरणम इच्छति, कवि किस लिए प्रकृति की शरण चाहता है, तो देखिए ये दिया है उत्तर, अत्र धरातले जीवितम् दुर्वहम् जातम्, अतः कवि प्रकृते शरणमिच्छति, क्योंकि धरातल यानी पृथ्वी पर यहाँ पर जो जीवन है वो क्या हो गया है, कठिन हो गया है, इसलिए जो कवि है वो प्रकृति की शरण चाहता है, इसलिए कवि प्रकृति की शरण चाहता है। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणं कठिनं वर्तते, किस कारण कारण से महानगर में संसार मतलब जो है चलना कठिन हो गया है, तो उत्तर क्या आएगा, मार्गेषु यानानां अंततः पंक्तः सन्ति, एतस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणं कठिनं वर्तते, क्योंकि मार्ग में गाड़ियां यदि एक बार लग जाती है तो निकलना चलना मुश्किल हो जाता है, इस कारण से महानगरों में चलना कठिन है। अस्माकं पर्यावरणे किं किं दूषितं भवति, हमारे जो पर्यावरण है जो वातावरण है उसमें क्या क्या दूषित है, तो देखिए क्या क्या दूषित है, वायुमंडल वायुमंडल दूषित है, जल दूषित है, भोजन दूषित है, धरातल दूषित है, चार दूषितम अस्ति, और धरातल भी दूषित है, हमारे पर्यावरण में ये चीजें क्या है, दूषित है। इसके बाद यह है कवि पुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कवि पुत्र संचरण कर्तुम इच्छति, तो कवि क्षणम एकांते
कांतारे संचरणं कर्तुम् इच्छति, एकांत में जंगल में घूमना चाहता है। कहाँ घूमना चाहता है? एकांत है ना, क्षण भर के लिए, क्योंकि वहां क्या रहती, बहुत हरियाली होती है। इस प्रकार से फिर है स्वस्थ जीवने की दृश्य वातावरण है भ्रमणीय, स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में घूमना चाहिए, कैसे की दृश्य है ना भ्रमणीय, तो स्वस्थ जीवने स्वच्छ वातावरण है। हमको यदि स्वस्थ होना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, तो हमको शुद्ध वातावरण में, स्वस्थ वातावरण में घूमना चाहिए। अंत में पद्यांश कवि का कामना, क्या कामना करता है अंत में कवि? देखिए अंत में पद्यांश कवे कामना अस्ति, ये कामना करता है, यत लतांत तरु गुल्मा प्रस्तर तले पृष्ठाः नो भवन्ति और पाषाणी सभ्यता सर्वे समाविष्टा न स्यात्, मानवाय जीवनं भवेत् जीवन मरणम न इति। देखो ये कामना क्या कर रहा है कि लता वृक्ष और झाड़ी पत्थरों के नीचे ना बसे और पथरीली जो सभ्यता है वो प्रकृति में क्या ना हो, समाहित ना हो, और मानवाय जीवन, मानव का जीवन हो, जीवन मरणम न इति, जीते जी मरना नहीं है, ऐसी वो कामना करता है। प्रश्न देखिए, संधि संधि विक्षेद गुण, संधि और संधि विक्षेद कीजिए। जैसे सबसे पहला दिया है प्रकृति धन एव, इसमें क्या आएगा प्रकृति है ना, स्या धन ना एव, ने ये दिए हैं अलग अलग ही, अनंता ह्यनंता ये आएगा, वही धनंता धन जगति, बहिरन तर जगति है ना, बहिरन तर जगति, फिर है अस्मात धन नगरा, तो क्या आएगा असमान नगरा, सम धन चरणम संचरण, धूमा मुंचती धूमा मुंचती मुंचती, ठीक है। इस प्रकार से संधि विच्छेद बेटा आपको उसमें करके लिखना है। अब देखिए एक और दिया है अधोलिखित अवयव नाम सहायता लेते हैं, ये जो अवयव दिए हुए हैं ना, ये जो अवयव दिए हैं इनकी सहायता से आपको क्या करना है, रिक्त स्थान जो है ये भरना। तो पहला क्या, इदानीं वायुमंडलम प्रदूषित मस्ति, तो ये देखिए इसके उत्तर है दृश्यम, बहुत ज्यादा मतलब क्या हो गया, अत्यधिक प्रदूषित हो गया है। फिर खाली स्थान जीवनम दुर्गम अस्ति, तो क्या हो गया है, यहाँ जो जीवन है बहुत कठिन दुर्गम का बताया था मैंने कहानी, उसमें कठिन प्राकृतिक वातावरण क्षण संचरण खाली स्थान, यदि अपि अभी माने भी, यदि हम थोड़ा भी मतलब घूमते हैं अच्छे वातावरण में तो लाभदायक होता, पर्यावरण संरक्षण पालिता प्रकृति आराधना, तो क्या आएगा इसमें एवं है ना, एवं माने ही खाली स्थान समय सदुपयोग करना, हमें हमेशा सदा सदा क्या करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। भूकंप के समय खाली स्थान हमने उचितम भवति, जब जो पृथ्वी है जब उसमें कंपन होता है या भूकंप आता है तो हमें बहिर है ना, बहिर यानी बाहर निकलना ही उचित है। खाली स्थान हरितिमा खाली स्थान सूची पर्यावरण यत्र तत्र है ना, यहाँ वहां जहां भी जो हरियाली होती है वहां का जो वातावरण होता है कैसा होता, शुद्ध होता है। अधोलिखित पदा नाम पर्याय पद, अब देखिए पर्याय पद यानी इसके पर्याय लिखना है, ये शब्द दिए हैं इनके ठीक है ना, और ये इनके जैसे सशिलम का क्या आएगा जलम, आम्रम का रसालम, वनम कांताम, शहिलम तनु, कुटिलम वक्रम और पाषाण प्रस्तर, इसी का दूसरा दिया है अधोलिखित पदा नाम बिलो, वाव में इसके विपरीत लिखना ठीक है, तो क्या आएगा सुकरम, तो इसमें आएगा दुर्बहम, दूषितम तो इसमें आएगा शुद्धम, ग्रहणंति मुंचंति, नर्मलम समलम, दानवाय इसमें क्या आएगा मानवाय, फिर दानवाय मानवाय, शांता अनंता, अब देखो ये इसमें दिया हुआ है उदाहरण मनुसूक्त पाठा चित्वा समा समस्त पदानी समासना, ये जो नीचे दिए उनको चुनकर समस्त पद और समास का नाम लिखना है, विग्रह बनाने जैसे है ना, एक दिया हुआ है इसमें ये दिया समस्त पद और समास का नाम, क्या दिया हुआ है देखिए इसमें क्या है, पहला मलेन संहिता, इसमें समस्त पद क्या आएगा समलम
और कौन सा समास आएगा? अव्यवी भाव समास। दूसरा है हरिता चाहिए तरुणा तेषां, तो पद क्या आएगा? हरित तरुणा कर्मधारय समास, कर्म की प्रधानता है ना। फिर ललिता चाहिए लता तासां, तो ललिता ललित लता नाम कर्मधारय समास। फिर है नवा मालिका, नव मालिका कर्मधारय समास। धृता सुखस धृता सुख संदेशाई मैं रखता हूं, तो धृत सुख संदेशम इसमें बहुव्रीहि समास आएगा। कज्जलम एव मलिनम, तो कज्जल मलिनम कर्मधारय समास आएगा। फिर दुर्दांत ही दशेनहि, तो दुर्दांत दशेनहि कर्मधारय समास। इस प्रकार से इसको आपको लिखना है। अब देखिए यहां पर दिया प्रश्न, रेखांकित पद्माधृत प्रश्नानाम निर्माण कुरु। जो आप देख रहे होंगे यहाँ इसमें, जैसे ये का दिया है, खा दिया है, गा है, घा है, यहाँ है ना, तो इसमें जो रेखांकित शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, इनके आपको प्रश्न का निर्माण करना है। रेखांकित पद्माधृत प्रश्न निर्माण करना कैसे? जैसे शक्तिया नाम कज्जल मलिनम धूमा मुंजन, गाड़ी काले के समान काला धुआं छोड़ते हैं, और हमें इसका प्रश्न बनाना है। तो क्या आएगा प्रश्न निर्माण? किम कज्जल मलिनम धूमा मुंजन, ने कौन काले के समान काला धुआं छोड़ते, ये प्रश्न बन गया। दूसरा जानी पर अभी पक्षाला में है रेखांकित, रेखा खींच हुई है, तो कलरम चेत सर प्रसाद देती, उद्यान पक्षियों का कलरव मन को प्रसन्न करता, तो प्रश्न क्या बनेगा? उद्याने के शाम यानी किनका कलरव मन को प्रसन्न करता है। फिर पाषाणी सभ्यतान लता तरुभूमा गुणमा प्रस्तर तले पिष्टा संति, यानी पथरीली सभ्यता में लता गाड़ियां पत्थरों के नीचे पिस रही है। प्रश्न क्या आएगा? पाषाणी सभ्यतायाम के प्रस्तर तले पिष्टा, यदि देखिए इसमें लाइन खींची हुई है, तो यहाँ पर यानी के का यहाँ पर क्या आएगा? कौन पथरीली सभ्यता में कौन पत्थर के नीचे पिस रहा? महानगरेषु वाहनानाम अनंता पंचा धावन्ति, महानगरों में वाहनों के लंग पंक्तियां दौड़ी। प्रश्न निर्माण क्या आएगा? केशु किन में, है ना, तो किन में, तो यहाँ पर आया केशु वाहनम अनंता पंक्तियां धावंती। प्रकृत्या सन्निधौ वास्तविकं सुखं विद्यते, प्रकृति के निकट वास्तविक सुख क्या है? प्रश्न निर्माण क्या आएगा? कस्याः सन्निधौ, यानी किसके निकट वास्तविकं सुखं विद्यते। इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको जो पाठ है प्रथमा पाठ है जो आपको दिया हुआ है कक्षा दसवीं का सूची पर्यावरण, इसके मैंने आपको जो पद्यांश वो समझाए और प्रश्न उत्तर। बेटा आप रजिस्टर कॉपी जो भी बना सकते हैं आप उसको बना लीजिएगा और उसको लिखते जाइए, और लिख करके बच्चों आप लोगों को क्या करना है? याद करना है। धन्यवाद बेटा।